ओम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन ड्यूअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। साथियों ओम इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहना कितना सही, ओम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इसकी चर्चा हो रही है। हेलो क्यूरियस पीपल, विदाउट एनी डाउट ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये इक्वेशन इतनी फेमस है तो इसको बहुत गलत तरीके से मिसइंटरप्रेट किया जाता है। तो क्या हम लोग सही में बोल सकते हैं कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर होता है? क्या साइंस ये सही में अलाउ करता है और ये क्लेम्स क्या सही में वैलिड है? हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो कुछ इस सेक्शन में डिवाइडेड है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि E equals MC square का ट्रू एसेंस क्या है, ये एग्जैक्टली बात किस बारे में करती है। उसके बाद हम लोग ये सारे क्लेम्स के ऊपर स्टडी करेंगे, ये क्लेम्स किस बेसिस पे हैं और उसको डिटेल में डिबंक करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने ओरिजिनल पेपर में क्या बोला था और ये सारे जो ओम इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाले क्लेम्स हैं क्या ये उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले E equals MC square के बारे में समझते हैं। अब मैं पहले से ही बता दूं कि हो सकता है ये पार्ट आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली इम्फसाइज करूंगा प्लीज अपना थोड़ा टाइम इस पार्ट पे स्पेंड करिए, बिकॉज अगर आपको ये चीज क्लिक हो गई तो फिर मजा आ जाएगा और फिर आगे जब हम लोग उन सारे क्लेम्स को डिबंक करेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं E equals MC square, और सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये इक्वेशन एक्चुअली में कंप्लीट है ही नहीं। कंप्लीट इक्वेशन इस तरीके से दिखाई जाती है। तो फिर ये इक्वेशन अकेली क्या बता रही है? ये इक्वेशन बता रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका एक रेस्ट मास होता है उसके अंदर टोटल कितनी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है जो उससे निकाला जा सके या फिर जो उसके अंदर कन्फाइंड है। अब रेस्ट मास क्या होता है ये समझा देता हूं। तो अभी आप मेरे हाथ में ये टिफिन देख सकते हैं, ये टिफिन मेरे रिस्पेक्ट में और आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो क्योंकि ये रेस्ट पे है ये मोशन नहीं कर रहा है, तो अभी जो मैं इसका मास देख रहा हूं वो उसका रेस्ट मास होगा। तो E equals MC square ये बताएगा कि इस टिफिन का जितना भी मास है उस मास के अंदर टोटल कितनी एनर्जी भरी हुई है, जिसको हम लोग C square से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात यहां पर ये आ रही है कि C square का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है which happens to be the case of square of speed of light. इसका एक और एडिशनल पॉइंट है कि परफेक्टली यूनिट में फिट बैठ रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसी यूनिट दे रहा है कि जब हम लोग उसे मास की यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी। इस तरीके से भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर जा रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको ये बताया कि E equals MC square बस ये बताएगा कि ये टिफिन के अंदर कितनी एनर्जी है जब ये रेस्ट में है। क्या होगा अगर मैं इस टिफिन को मूव कराने लग जाऊं, यानी कि ये टिफिन अब मोशन में आ जाए? जैसे ही ये मोशन में आएगी E equals MC square काम करना बंद कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक एडिशनल एनर्जी आ चुकी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नॉर्मली हाफ एम वी स्क्वायर से तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यही टिफिन अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड में मूव करेगा तो वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर काम नहीं करेगा, और यहां पर ये इक्वेशन हम लोगों को यूज पे लगेगी इसकी टोटल एनर्जी बताने के लिए। एक और चीज, E equals MC square केवल मैटर के बारे में बात करता है जो कि रेस्ट पे है। अगर हम लोगों को लाइट या फिर फोटोन के बारे में बात करना हो तो भी E equals MC square काम नहीं करेगा, फिर से हम लोगों को ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग m को जीरो रखेंगे तो हमारे पास टर्म आएगी p, यहाँ पर मोमेंटम है, तो मोमेंटम की हम लोगों को वैल्यू मिली एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि स्कूल में हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम तो मास इन मोशन यानी कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, और हम लोगों को ये चीज तो पता है कि लाइट जो है लाइट का रेस्ट मास जीरो होता है, तो लाइट का मोमेंटम कैसे हो सकता है? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि अब हम लोगों को ये पता है कि लाइट का मोमेंटम हो सकता है और मोमेंटम हमेशा उसके रेस्ट मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और जैसे ही उसके अंदर मोमेंटम आएगा तो वहां पर इनर्शिया आ जाएगा। अब इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इनर्शिया आते ही हम लोग उसमें मास जैसे इफेक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन के ओरिजिनल पेपर में भी उन्होंने टाइटल में मास के बारे में बात नहीं की थी, उन्होंने इनर्शिया के बारे में बात की थी। तो फंडामेंटल चीज जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो यहाँ पर इनर्शिया रहने वाली है और एनर्जी रहने वाली है। अब इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने दो आइडेंटिकल बॉक्स दो अलग अलग विंग मशीन के ऊपर रख दिए हैं, स्टार्टिंग में दोनों सेम वेट मेजर करेंगे, लेकिन फिर मान लीजिए कि आपने एक फोटोन अंदर डाल के छोड़ दिया और उस बॉक्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया, तब हो ये रहा है कि ये फोटोन बाहर नहीं जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली इधर उधर वॉल से टकरा रहा है। इससे क्या होगा कि ये बॉक्स जिसके अंदर फोटोन आ चुका है इसका वेट पहले से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल तरीका नहीं है इस चेंज को मेजर करने का, बट वी नो फॉर श्योर कि ऐसा होने वाला है क्योंकि ऐसे इफेक्ट हम लोग हर जगह पर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, फोटोन जिसका रेस्ट मास जीरो माना जाता है वहां पर वो मास लाइक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो ये मास लाइक इफेक्ट कहां से आ रहा है, और अगर मास लाइक इफेक्ट बिना रेस्ट मास के आ रहा है तो
तो मास एग्जैक्टली में है क्या? इसमें हम लोग आएंगे दूसरे पार्ट पे कि मास एग्जैक्टली क्या है, चलिए ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे कि कोई भी चीज किस चीज की बनी रहती है। हम लोग कहते हैं चीजें फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी हुई है या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बने हैं एटम से, इसमें इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और उसके बाद न्यूक्लियस में आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने होते हैं क्वार्क्स से। अब ये जो क्वार्क्स है, क्वार्क्स का मास होता है, लेकिन मास एग्जैक्टली है क्या, यही तो क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि ये पार्टिकल्स एनर्जी में फ्लक्चुएशन है, लेकिन एनर्जी में फ्लक्चुएशन को हम लोग मास कैसे दे सकते हैं, यहीं पर हमारी डेफिनेशन आती है। हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से। इसका एग्जांपल देता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस टिफिन को मोशन करवा रहा हूं, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये टिफिन मोशन में है, क्योंकि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, उससे मैंने इसको देखा मूव करते हुए। तो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी मदद से मैं इसे मूव करता हुआ देख सकता हूं। अब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से परसीव किया जा सकता है। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो सकता है जो इसको बहुत ही ज्यादा हाई वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखे। इसका एग्जांपल है कि अगर कोई स्पेस में चला जाए तो धरती 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो अब वो जब इस टिफिन को देखेगा तो उसमें 30 किलोमीटर पर सेकंड भी ऐड हो जाएगा, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसकी अलग एनर्जी है। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को किस तरीके से परसीव कर रहा है, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी कोई एनर्जी कन्फाइंड होगी तो उसे हम लोग मास कहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी कोई एनर्जी कन्फाइंड होगी तो उसे हम लोग मास कहेंगे। थोड़े से टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलेंगे, मास इज नथिंग बट जस्ट एन एनर्जी कन्फाइंड इन आर्बिट्ररी स्पेस। ये होती है मास की असली डेफिनेशन। तो जब भी हम लोग क्वार्क्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, ये सब अपना सारा मास इसी मैकेनिज्म से ले रहे हैं। तो बात ये आती है कि फोटोन में रेस्ट मास फिर क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि फोटोन कभी भी इस तरीके से कन्फाइंड नहीं हो सकता। वो कन्फाइंड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करता। अब मैंने एक और टेक्निकल टर्म बोल दिया, हिग्स फील्ड क्या होता है? अब हिग्स फील्ड के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट बाय द नेम ऑफ गॉड पार्टिकल। मैं पहले ही बता दूं, इस पार्टिकल का गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक एडिटर ने डाल दिया था, उनको गॉड डैम लिखना था, लेकिन डैम वर्ड पसंद नहीं आ रहा था, तो डैम को हटा के सिर्फ गॉड पार्टिकल लिख दिया। और अब ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई है कि इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे सूडो साइंटिफिक कंटेंट मिल जाएंगे कि गॉड पार्टिकल एग्जैक्टली क्या है, इसका गॉड से कैसा लेना देना है। इसका कुछ लेना देना गॉड से नहीं है, बस एक नॉर्मल सा नाम है। अब मैं यहां पर हिग्स फील्ड के बारे में बता रहा था, तो हिग्स फील्ड रिस्पॉन्सिबल माना जाता है चीजों को मास देने के। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क जैसे पार्टिकल है, ये इस हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इनर्शिया आता है। अगेन मैंने यहां पर इनर्शिया वर्ड का यूज किया। तो कोई भी एनर्जी जो किसी रीजन में कन्फाइंड हो, और कन्फाइंड क्यों होगी, क्योंकि वहां पर इनर्शिया लगेगा। वो इनर्शिया लगेगा हिग्स फील्ड के इंटरैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर मास क्रिएट होगा। फोटोन ये इंटरैक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो कन्फाइंड नहीं हो सकता, और क्योंकि वो कन्फाइंड नहीं हो सकता तो वहां पर मास नहीं आ सकता, मोर स्पेसिफिकली रेस्ट मास नहीं आ सकता। अब मैं कंटिन्यूअसली यहां पर रेस्ट मास ये टर्म बोला जा रहा हूं, जैसे कि रेस्ट मास के अलावा कोई और मास होता है, एंड इट टर्न्स आउट यस होता है। इसको समझाने के लिए मैं अगेन क्वार्क्स और प्रोटॉन्स के ऊपर आता हूं। तो प्रोटॉन बेसिकली तीन क्वार्क्स का बना रहता है, दो अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो मैथमेटिकली जब भी हम लोग देखते हैं तो दो अप और एक डाउन क्वार्क का जो हम लोग मास मिलाते हैं वो आता है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। लेकिन प्रोटॉन का मास जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो तो बहुत बहुत ज्यादा आता है। इनफैक्ट ये जो टोटल मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन के ओवरऑल मास का केवल 1% है। तो बाकी का 99% मास कहां से आ रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ये आपस में बंधे रहते हैं, और ये जो क्वार्क्स की कन्फाइनमेंट होती है ये होती है ग्लुओन नाम के फील्ड की मदद से। तो ये जो ग्लुओन नाम के फील्ड है जिनकी वजह से ये क्वार्क्स आपस में बंधे हुए हैं, इनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि वो इफेक्टिवली हम लोगों को मास की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें एक प्रोटॉन के अंदर कन्फाइंड है, और जब भी एनर्जी किसी जगह पे कन्फाइंड होगी तो वो हमेशा हम लोगों को मास की तरह परसीव होगी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हिग्स फील्ड केवल 1% मास दे रहा है, और बाकी सारा ये जो नॉर्मल ग्लुओन्स की जो एनर्जी है उसकी वजह से हम लोगों को इसका मास परसीव हो रहा है। और इनफैक्ट यूनिवर्स में जितने पार्टिकल जिनको हम लोग जानते हैं वो इसी तरीके से मास ले रहे हैं, एक्सेप्शन एक है, न्यूट्रिनो का। वी नो फॉर श्योर कि न्यूट्रिनोस का मास होता है,
बट वो हिक्स मैकेनिज्म से अपना मास नहीं लेते हैं। अब मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि इट इज स्टिल एन ओपन प्रॉब्लम जिसका अभी तक पूरी तरीके से सॉल्यूशन तो नहीं मिला है और हम लोगों का ये डिस्कशन से इतना रिलेवेंसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूट्रिनोस के मास के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज एस्टैब्लिश कर ली है, वो ये है कि मास बस एक कन्फाइंड एनर्जी रहती है। सो फंडामेंटली सिर्फ एनर्जी होती है, मास बस उसका एक कन्फाइंड स्टेज है। तो हर एक चीज जिसको हम लोग मैटर कह रहे हैं, जिससे हम लोग मास एसोसिएट कर रहे हैं, वो सिर्फ एनर्जी है और कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ एनर्जी है। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग फिर से एनालाइज करते हैं। यहाँ पर मैंने m के बारे में क्या बताया था कि ये रेस्ट मास है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसे रेस्ट मास क्यों कह रहे हैं। अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि e equals mc square क्यों कंप्लीट नहीं है, इसका कंप्लीट वर्जन क्या है, और अगर हम लोग e equals mc square को भी एज इट इज ले तो मास बेसिकली एनर्जी ही है और ये जो सी स्क्वायर है बस एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है। तो इसके ऊपर इतने सारे सूडो साइंटिफिक क्लेम्स क्यों बन रहे हैं कि यहाँ पर ओम हम लोग डाल सकते हैं, ओम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इन जनरल E equals MC square का ट्रू एसेंस क्या है। मैंने अभी आपको समझाया कि एक मैटर की एनर्जी के बारे में बताता है और अगर हम लोग इसको जनरल केस में ले तो ये बताता है कि किसी भी मैटर या फिर फोटोन की एनर्जी क्या हो सकती है। तो अब आपको E equals MC square के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया लग गया है। अब इन क्लेम्स के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहे हैं और ये कितने साइंटिफिक हैं। साथियों ओम्स इक्वल टू एमसी स्क्वायर कहना कितना सही है। साथियों जब हाई एनर्जी फिजिक्स आगे बढ़ी तो हमें लगने लगा कि कभी ना कभी हम उस सबसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचेंगे जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो विशाल जी ने जो वर्ड बोला ना, टकरा के तोड़ते हैं, ये बहुत गलत वर्ड है। कोई भी पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड वाला तोड़ना वर्ड यूज नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर कभी पार्टिकल टूटते नहीं है, वो एनर्जी का फॉर्म होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब होता ये कि जब भी इतनी ज्यादा एनर्जी आती है तो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी अलग अलग पार्टिकल्स को क्रिएट करेगी। एक्चुअली हम करते क्या है, हम दो पार्टिकल्स को लेते हैं और उनको स्पीड ऑफ लाइट के पास कोलाइड करवाते हैं जिससे वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएं। लेकिन अब हम उस लिमिट पर पहुंच गए हैं कि जब दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स टकराने पर छोटे पार्टिकल्स नहीं बनाते बल्कि अपने जैसे ही, जैसा कि मैंने बताया 150-200 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन्हीं को बना देते हैं। ये एकदम गलत है क्योंकि उन्होंने बोला कि अब हमको कोई नए पार्टिकल्स नहीं मिल रहे। हिस्टोरिकली हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोगों ने हमारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स की एनर्जी दो ऑर्डर से बढ़ाई है, यानी कि उसको 100 टाइम्स किया है, हमको हमेशा नए पार्टिकल्स दिखे। अब आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑलरेडी जिस एनर्जी लिमिट पे पहुंच गए, उससे ज्यादा एनर्जी लिमिट पे जाना टेक्नोलॉजिकली बहुत ही मुश्किल है और साथ ही साथ उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। लेकिन उसके बावजूद फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर जैसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव क्यों लिए जाते अगर हम लोगों को यही पता है कि हम लोग कितनी भी एनर्जी बढ़ाएं, कितने भी कोलिशन कराएं, नए पार्टिकल्स नहीं बनेंगे। हम लोगों को नहीं पता है बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हम लोग इस होप में कि जब हम लोग एनर्जी बढ़ाएंगे तो हम लोग चीजों को ज्यादा प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे और दूसरा हो सकता है कुछ नए पार्टिकल्स को डिस्कवर कर पाए। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से हमें ज्ञात था कि जो मैटर है वो कुछ नहीं बल्कि प्योर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, जिसे हाई एनर्जी फिजिक्स ने प्रूव भी कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो है जब भी आप किसी पानी में कोई डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर आती है। तो ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी उस केमिकल रिएक्शन में जो उनके एटम्स है, उनके एटम्स में जो मास कम हुआ है उसके कॉस्ट पे आ रहे हैं। अब हम लोग मेजर करने जाएंगे तो ये स्केल बहुत ही छोटा होता है, बट ये सच होता है। हम लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से इसको वेरीफाई किया हुआ है। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूँ, मेरा वही टिफिन अगर इसको मैं थोड़ा हाइट पे ले जाऊंगा तो क्योंकि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है तो इसका मास पहले से थोड़ा ज्यादा होगा। तो सिंबॉलिकली ओम इक्वल टू एमसी स्क्वायर लिखना गलत नहीं है क्योंकि सनातन धर्म में ओम नॉन डुअलिटी का प्रतीक है जो साइंस में मैटर और एनर्जी के बीच की नॉन डुअलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इन्होंने बस ये क्लेम कर दिया है कि नॉन डुअलिटी है और नॉन डुअलिटी ओम बताती है, तो दैट्स व्हाई ई इक्वल्स एमसी स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ओम की जो नॉन डुअलिटी वाली टर्म है उसी को यूज करते हुए बहुत वेग तरीके से उसको MC square के बराबर लिख दिया गया। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि E equals MC square complete term है भी नहीं, complete term ये है। तो क्या यहाँ पर हम लोग ओम रख देंगे तभी ये सेम चीज होल्ड करेगी, क्योंकि अभी आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो तो एक बहुत ही छोटे स्पेसिफिक केस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैटर रेस्ट पे होता है। अगर आपको अच्छे से अपनी नॉन डुअलिटी बतानी ही है तो एक जनरल केस के बारे में बात करते हैं।
और अभी तो मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं की है कि फिजिक्स में जब भी हम लोग कोई इक्वेशन रखते हैं तो उसको एक कायदे से रखा जाता है, एक यूनिट की मैचिंग की जाती है, उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग हवा में उठा के कोई भी सिंबल कैसे भी नहीं रख सकते क्योंकि हमको लग रहा है कि इससे ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर इन्होंने इसे डिटेल में पढ़ा होता, अगर इन्होंने इसे डिटेल में समझा होता तो ये वाली बात ये कभी नहीं करते। SAND, साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट में जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन ड्यूअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। यहाँ पर ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे, चलिए इसकी वेबसाइट में जाके देखते हैं। मैंने इसकी वेबसाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड किया और जो भी इनके साइंस से रिलेटेड आर्टिकल थे वो मेनली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थे। जो थोड़े बहुत अच्छे आर्टिकल लग रहे थे फिर मैंने ध्यान से देखा तो किसी और के लिखे हुए आर्टिकल थे, जैसे कि फेमस साइंटिस्ट शॉन कैरोल के। अब उनके लिखे हुए आर्टिकल अपने वेबसाइट पर डालेंगे तो आर्टिकल तो अच्छे ही रहेंगे, लेकिन इनकी वेबसाइट में एज सच कोई मैथमेटिकल या कोई फिजिकल तरीका नहीं बताया जिससे इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर होता है। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्लेम्स भी किए गए हैं जो बहुत एक्यूरेट भी नहीं है, जैसे इन्होंने ऑब्जर्वर इफेक्ट को अपने एक आर्टिकल में थोड़े गलत तरीके से बताया हुआ है। इन्होंने बिग बैंग को हिरोशिमा नागासाकी के एक्सप्लोजन से कंपेयर किया हुआ है और भी बहुत सारी छोटी मोटी वेग चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो भी अलग चीजें मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि ये माइंडफुलनेस और अलग अलग तरीके की चीजों के कोर्सेज सेल कर रहे हैं जिसकी मदद से पैसा कमा रहे हैं और डोनेशन के लिए आप लोगों को जगह जगह पे आइकन्स दिख जाएंगे। तो ये जो ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर है जिसके बेसिस पे इतनी बात की जा रही है, इसका ऐसा कोई वैलिड ग्राउंड है ही नहीं, इसमें कोई साइंटिफिक बात नहीं की गई है। और इसी वेबसाइट की मदद से एक और पर्सन है जिन्होंने ये क्लेम किया है कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर है, और ये तो एक स्टेज आगे गए हैं। इन्होंने तो एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाई है, तो चलिए इनकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि ये कैसे प्रूव करते हैं कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर होता है। चलिए आज इसका जवाब हम आपको साइंटिफिकली देंगे। तो यूट्यूब में पहली बार हिंदी में ऐसा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन आप देखने जा रहे हैं। इन्होंने ये बोल के मेरा काम आसान कर दिया कि वो जो भी प्रेजेंटेशन देंगे वो साइंटिफिकली देंगे, तो अब मैं जो भी जज करूंगा प्योर साइंटिफिक बेसिस पे ही करूंगा। ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। क्या ये सोर्स पीयर रिव्यूड है? क्या अलग अलग साइंटिस्ट इसके ऊपर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज लिखी हुई है, क्या यहाँ पर प्रॉपर साइटेशन है? अगर नहीं है तो हम लोग इसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक सोर्स नहीं कह सकते हैं। आपको ऑथेंटिक सोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि बाहर के किसी आदमी ने कोई आर्टिकल लिखा है जो कि अपने आप को साइंटिस्ट बुला रहा है, एंड मे बी वो साइंटिस्ट होंगे, मैंने उनके प्रोफाइल के बारे में नहीं देखा है, लेकिन बात यह नहीं कि वो साइंटिस्ट है कि नहीं, बात यह है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो आपके आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है तो आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। यहीं पर कोई और साइंटिस्ट आपके आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि विज्ञान ये गलत बताता है, विज्ञान वो गलत बताता है, लेकिन जब भी कोई आपके फेवर में बोलेगा तो साइंस को ही आप एक वैलिड पॉइंट मान के, साइंस को एक अथॉरिटी मान के अपने क्लेम को हमेशा सपोर्ट करने लग जाएंगे। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, अगर मास इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या होगा? उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, अर्थात वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? लाइट की जो स्पीड है कि एक सेकंड में लगभग 300,000 किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसकी गति होती है, पानी में, ग्लास में, तो ये फॉर्मूला वहां पर लागू नहीं होता है। अगर मास जीरो हो जाए तो ये फॉर्मूला तो यूजलेस है। अभी हम लोगों ने समझा कि अगर मास जीरो हो जाएगा तो जो ओरिजिनल इक्वेशन बचेगी वो होगी E=PC, लेकिन बात यही तो है कि इतना डिटेल में इन सब चीजों को स्टडी किया नहीं गया है, तो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो बिना कंप्लीट फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के बना दी है। उनको तो यही पता था कि E=MC² ही होता है, यही कंप्लीट चीज है, और उसी के बेसिस पे अब इनका इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो यही देख लीजिए कि जो इनका अधूरा ज्ञान है उस अधूरे ज्ञान से इनका इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इनका इंटरप्रिटेशन किसी इक्वेशन से लेना देना नहीं है, वो दुनिया के किसी भी चीज में अपना इंटरप्रिटेशन फिट कर सकते हैं, इतनी क्रिएटिविटी है इन सबके पास। जो न्यूट्रोनो है ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मास भी जीरो ही होता है। न्यूट्रिनो का मास जीरो नहीं होता है। हाँ, स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग उसको जीरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट नहीं करता है, लेकिन वी नो फॉर श्योर कि न्यूट्रिनो का मास होता है। तो यहाँ पर एडवांस में जब रिसर्च होता है तब आता है O=MC². इक्वेशन की इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग की मदद से इन्होंने कंक्लूजन दे दिया, वो भी किस तरीके का कंक्लूजन दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। मास भले ही जीरो हो जाए फिर भी उसके अंदर एनर्जी होती है, अर्थात सभी वस्तु और एनर्जी का जो सार है वो ओम है। ओम जो है सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, इस चीज को विज्ञानियों ने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं O=Energy=MC². मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो इन्होंने बिना कोई साइंटिफिक बेसिस के, बिना कोई मेथडोलॉजी के ऐसा कंक्लूजन दे दिया,
और दे दिया तो दे दिया, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने माना है। कौन से वैज्ञानिकों ने माना है? और अगर चलो कुछ वैज्ञानिकों ने मान भी लिया है तो उसकी मदद से हम लोग ये नहीं कह सकते कि विज्ञान मानता है। साइंस में सबसे बेसिक आइडिया को लेके भी हमेशा डिबेट चल रही होती है। अगर कोई भी इंसान आपको इंटरनेट पे या कहीं भी ये बोलता हुआ दिख गया कि विज्ञान ये मानता है, विज्ञान ये बोलता है, तो समझ जाना कि उस आदमी को विज्ञान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि विज्ञान कोई एक आदमी नहीं है जो कोई स्टेटमेंट देता है। साइंटिफिक मेथड अपने में बहुत ही बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग क्लेम कर देते कि ये वैज्ञानिकों ने माना, ये माना, ये सारे बहुत ही ज्यादा अनसाइंटिफिक और बहुत ही घटिया क्लेम्स है। और भी बहुत तरह की स्टडी होती है जिसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है। ये विज्ञानियों ने दावा किया है, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स। ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका था कि ये जो बात कर रहे हैं उसमें कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे ही काम को और आसान कर दिया। पहले तो पता नहीं, शायद गूगल इमेजेस से कोई इन्होंने रैंडम फोटोज उठा ली कुछ पर्टिकुलर फिनोमिनास को बताने के लिए जो रिप्रेजेंट कर भी नहीं रहे वैसे के वैसे। ये है वर्म होल, वर्म होल की इमेज है भी नहीं। ये है ब्लैक होल। दूसरी चीज, अगर आप ब्लैक होल के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो इमेज ली उसके बारे में बात करिए। ये पैरेलल यूनिवर्स, ये टाइम ट्रैवल, इन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टर्म्स का यूज किया है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए जो अभी तक प्रूवन भी नहीं है। और प्रूवन तो छोड़िए, बहुत सारे साइंटिस्ट उस चीज पे एग्री भी नहीं करते हैं। तो उसी का यूज करते हुए ये कह रहे हैं कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा है। और अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे एक्सप्लेन कर दे रहा है, क्या प्रॉपर मेथड है जिसकी मदद से ये एक्सप्लेन कर रहा है। आई गेस इतना काफी है ये प्रूफ करने के लिए कि ये सारे लोग जो भी ये सारे क्लेम्स कर रहे हैं ये कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है और ये सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग हमारे देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहे हैं। एक तरफ चाइना है जहाँ कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, दूसरी जगह हम लोग यहाँ पर बैठ के बस ये बोलते रहे कि हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, हमको कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है जो आज के टाइम में मॉडर्न साइंस कर रही है, सो व्हाई आर वी नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट वी हैव। हमारे पास कितने सारे इश्यूज हैं जो पड़े हुए हैं। अगर सब कुछ पहले से दिया हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल कॉस्मोलॉजी में, पार्टिकल फिजिक्स में अभी हम लोग बहुत सारी जगह पे अटके हुए हैं। वो जगह हमको डेड एंड दिख रही है, फिजिसिस्ट को नहीं पता कि उसके आगे कैसे जाना है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लीज हमारी हेल्प करिए। प्लीज बताइए कि हम लोग कैसे ये सारी हायरार्की प्रॉब्लम हो गई, कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम हो गई, ये जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हैं, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं, किस तरीके का हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये सारी चीजें हमको बताइए। साइंस को बहुत ज्यादा जरूरत है अगर यहां पर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके जो क्लेम्स हैं ये क्लेम्स एकदम फॉल्स हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग हमारे देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग इसके ऊपर कुछ बोलते हैं तो लोग हम लोगों को एंटी हिंदू, एंटी रिलीजन, इन सब का टाइटल देने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं तुम हमारे वेदों के खिलाफ हो और उस चीज के ऊपर अगेंस्ट होने लगते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे रैशनल चैनल्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि उनको हिंदुइज्म से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब वो लोग सूडो साइंटिफिक बातें करते हैं या फिर कोई भी वैलिड साइंस की टर्म लेके उसको तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरीके से इंटरप्रेट करके प्रेजेंट किया जाता है अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। हम लोग उस चीज के खिलाफ है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ओम नॉट इक्वल एमसी स्क्वायर, तो मुझे काफी सारे डीएम्स आए कि इस तरीके के थंबनेल्स मत बना, इस तरीके के वीडियोस मत बना, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लोग गालियां देंगे। बात लोगों के ऑफेंड या गाली होने की नहीं है। यहां पर मैंने ओम सिंबल की एक बार भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। इनफैक्ट ओम एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में मैंने कमेंट तक नहीं किया है। मैंने बस ये बताया है कि ओम इक्वल्स एमसी स्क्वायर इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट। और अगर आप मेरे पास के कोई भी वीडियोस देखेंगे, मैं हमेशा ऐसे क्लेम्स के साइंटिफिक बेसिस के ऊपर ही बात करता हूँ। मैं रिलीजियस बेसिस के ऊपर कमेंट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी अभी उसके ऊपर इतनी नॉलेज है भी नहीं। लेकिन मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि हर रिलीजन वाले, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, वो लोग जब भी ऐसी चीजें बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें पहले से है, हम लोग पहले से ही बता पाते हैं, जो साइंस आज बता रहा है वो सारी चीजें हमेशा बेसलेस होती है। हर रिलीजन में बोलने वाले ये सारे लोग हैं और हम लोगों की ड्यूटी है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाए। इनफैक्ट ये कितने इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं।
आप लोगों ने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के बारे में सुना होगा, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक और फेमस इक्वेशन है। अब ये E equals MC square जितनी फेमस नहीं है और ये थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ऐसे सूडो साइंटिफिक क्लेम्स नहीं बने। तो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि रिची स्केलर क्या होता है, रिची टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम क्या होता है, बस मैं ये बताऊंगा कि ये इक्वेशन ये कहती है कि मैटर स्पेस टाइम को ये बताता है कि कैसे बेंड होना है, जिसके रिटर्न में स्पेस टाइम मैटर को ये बताता है कि कैसे मूव करना है। अब ये इंटरकनेक्टेडनेस देखिए। अब अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आप इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी तरीके से इसको इंटरप्रेट करिए और वो आपके प्रोपेगेंडा में बिल्कुल काम करेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, क्वांटम मैकेनिक्स के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक इक्वेशन है या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वहां पर भी ये लोग कुछ ना कुछ रिलेट कर देंगे। वेट अ मिनट, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में जाके ऐसे सूडो साइंटिफिक बातों को डिबंक करेंगे, और ना सिर्फ डिबंक करेंगे बल्कि उनके पीछे की असली साइंस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी साइंटिफिक टॉपिक के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।